भले ही संसद में तीन तलाक बिल पास हो गया हो, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक और तीन तलाक का ऐसा मामला मुरादाबाद कुंदरकी थाना क्षेत्र के बसेरा खास का सामने आया है। यहां तीन तलाक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। युवती ने आरोप लगाया है कि उसे घर में अकेला पाकर देवर ने उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने बताया कि दहेज लोभी पति और उसके परिजन उसे कमरे में बंद कर यातनाएं देते थे, जिसके निशान शरीर पर अब भी मौजूद हैं। उसने बताया कि पति ने अपने छोटे भाई की बात मानकर तीन तलाक दिया है, तब से वह अपने पिता के घर ही रह रही है। युवती ने मामले की शिकायत एसएसपी से लगाई थी। इस दौरान पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन वो तीन तलाक के तहत नहीं किया गया था। पीड़िता ने बताया कि मामले को दिन 10 हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही करके किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। फिर क्या नाम है, उसके घर वालों को बुलाया, मतलब रिश्तेदारों को बुलाया, मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने सबको बुलाया, रिश्तेदारों को। उन्होंने जब आए तो वो उन्होंने कह दिया, मतलब 4 लाख रुपए तो उसके लिए लिए, खाना सब चीज करा, उनके रिश्तेदार सब आए थे। कितने रुपए लिए टोटल आपसे दहेज के नाम पे? 4 लाख रुपए तो दहेज के लिए थे, 2 लाख मांगने गए, 6 लाख रुपए बिल्कुल टोटल लिए थे नगद। फिर मेरे पिता ने 6 लाख रुपए नगद दे दिए। फिर उन्होंने कहा अब हम लड़के को साथ लेके जा रहे हैं, वो फिर मुझे ले गए। फिर क्या? 6 लाख रुपए ले गए। फिर वहाँ लेके जाकर बस 2-4 दिन मतलब सही रहा मुझे। फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत मारा पीटी करी, मुझे मारा खूब। क्या फिर दोबारा दहेज मांगने लगे, अल्ट्रो कार मांगने लगे कि अपने बाप के घर से अल्ट्रो कार लेके आ, दहेज लेके आ, जितना सामान शादी में चल रहा है वो सब लेके आ। मार कूट करी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। फिर मारकूट करने के बाद कोई बात नहीं, मारकूट करते रहे। फिर मेरा ससुर और देवर ने मेरे ऊपर गंदी नज़र रख ली, मतलब गंदी नज़र से देखने लगे मुझे। एक दिन मैं अकेली कमरे में सो रही थी, मेरा देवर राहिल जो था वो एक दिन मैं मुझे अकेली सोते देख कर मुझ पर आके मुझे दबोच लिया उसने कमरे में और मेरे साथ बलात्कार कर लिया। मतलब जब मैंने चीखना चिल्लाना चाहा तो उसने ये कह दिया, अगर चिल्लाएगी चीख चिल्लाएगी या किसी से बोलेगी बताएगी तो मैं तेरे छुड़वा दूंगा अपने घर से। उसने मेरे मुँह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर क्या हुआ? उसने मेरे साथ फिर बलात्कार कर लिया। फिर जब फिर बलात्कार कर लिया, कोई बात नहीं, अब जो लड़का आता है जिसके साथ मेरा शादी हो गई थी, उससे मैंने कहा कि मतलब तेरे भाई ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, तो उसने मेरे साथ बहुत मारपीट की और अपनी बहन से भी और अम्मी से भी पापा से भी सबसे पिटवाया, भाई से भी, कि मेरे भाई पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। बकरीद वाले दिन 3 तलाक देकर चला गया मुझे। मारकूट कैसे दी थी तलाक? 3 तलाक दी मुझे, 3 तलाक देकर उसको चला गया था गाड़ी में। ये चोटों के निशान कैसे हैं आपके? ये मुझे मारा, 3 तलाक जब दे दी ना तो उसने उसके घर वालों ने नहीं तो मुझे मेरे घर आने दिया, नहीं मुझे बातचीत करने दी मेरे घर वालों से। ऐसा किया जब वो 3 तलाक देकर चला गया तो मुझे हाथों हाथ कमरे में बंद कर लिया उन्होंने, मुझे कमरे में बंद रखा, मारते रहे तोड़ते रहे, रोज मारते थे रोज तोड़ते थे, मुझे घर नहीं जाने दिया। कम से कम लगभग 10-15 दिन मुझे कमरे में बंद रखा। फिर उसके बाद 28 तारीख को जब बकरीद वाले दिन तो तलाक दी थी, और फिर जब चला गया वहाँ से तो मुझे 28 तारीख को वो मिला, निकलने का कमरे में से निकलने का मौका मिल गया। तो मैं अपनी जान बचा के अपने आप को संभाल के मैं वहाँ से निकल के दूसरे के पड़ोस के घर में जा पहुँची। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन कर दिया 100 नंबर को, फिर वहाँ पर मौजूद मतलब आई, फिर पुलिस में तहरीर दी आपने? जी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक तो, सुनी नहीं है कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रही है पुलिस? बस यही कह देती है हो जाएगा जाएंगे, कब जाएंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ भी, अभी तक तो हमें सुनाई आई नहीं है किसी चीज की भी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।